आप सभी का स्वागत है स्वरा अन अकेडमी क्लासेस पर। आइए आज हम शुरुआत करेंगे पेडागोजी से। पेडागोजी में पहले टॉपिक ले लेंगे, फिर उसके बाद एज इट इज अपने सवाल लगाएंगे, जिसमें सवाल पेडागोजी में पहला टॉपिक हमारा जो आज है वह है वैन हेले का ज्यामितीय अधिगम। यानी वैन हेले ने ज्यामितीय अधिगम को करने के लिए जो सिद्धांत दिया था उसको 5 चरणों में विभाजित किया था। यानी एक छोटा बच्चा किस तरीके से सीखता है, इस चीज को वैन हेले ने बताया था। उसमें बताइए उन्होंने जो चरण बताए थे 5, उसमें पहला चरण उन्होंने बताया कि पहचानना, या इंग्लिश में कह सकते हैं विजुलाइजेशन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दृढ़ता, यानी विश्लेषण एनालिसिस, इनफॉर्मल डिटेक्शन, फॉर्मल डिटेक्शन और रिग्योर। ये 5 चरण इन्होंने वैन हेले ने इसमें बताए थे। इन 5 चरणों के माध्यम से बच्चा सीखता है आसानी से कि किस चरण को पहले सीखेगा, फिर उसके बाद वो क्या सीखता है, फिर उसके बाद क्या सीखता है, फिर उसके बाद क्या सीखता है। इस तरीके से बच्चा अपने अंदर चीजों को सीख सीख कर जो है बढ़ाता है उनको। जैसे पहले छोटे बच्चे के लिए हम बात करते हैं, तो जो छोटा बच्चा है वो पहले चीजों को पहचानता है, देखता है, समझता है कि ये क्या है, और फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करता है, तुलना करता है कि ये चीज ऐसी थी तो इसकी जैसी हमने चीज कहीं और देखी थी क्या, इस तरीके का चीज था। फिर उसके बाद औपचारिक, उसको कहीं ना कहीं रिलेट करके उस चीज को और अपने आप को, उसके आयामों को समझता है, उसकी विशेषताओं को समझता है, तो वो फॉर्मल में आ जाएगा। और फिर जब उसे किसी भी चीज की तुलना ना करना पड़े तो वो दृढ़ता, रिग्योर में आ जाता है। यानी सबसे पहले मान लो कोई बच्चा है, उसने पहचाना किसी चीज को, देखा, जैसे एक एग्जाम्पल चलता है नॉर्मली ज्यादातर कि हाथी और गणेश जी, गणेश भगवान का, कि उसमें क्या है कि उनकी सूंड, उसके कंपेयर किया गया कि ये हाथी की जैसे दिखते हैं। गणेश भगवान को देखा तो उन्होंने कहा कि हाथी जैसे दिखते हैं, हाथी को देखा तो ये गणेश भगवान की तरह दिखते हैं। तो ये कंपेरिजन चलता है छोटे बच्चों का कि वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैथमेटिक्स के टर्म्स में, ज्योमेट्री के टर्म्स में ले लें, तो ये आयत है हमारे पास मान लीजिए, तो इसको तो देख लेगा कि ये चौकोर है, ये इस तरीके का आकार है, उसके घर में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, उनसे वो रिलेट करना शुरू कर देगा। लेकिन वो इनके गुणों को नहीं बता पाएगा, उनको रिलेट तो कर लेगा कि ऐसा हमारा दरवाजा या कोई खिड़की हमारे घर की है, या ब्रिक्स जो लगी है हमारे घरों में वो ऐसी हैं, इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन इनके गुणों को नहीं वो जान पाएगा। जब औपचारिक और आगे बढ़ेगा तो वो इनकी भुजाओं के बारे में, साइड्स के बारे में जानना सीख जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं, कि बराबर आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और वो पैरेलल या समांतर हैं। इसी तरीके से फिर वो धीरे धीरे जब फाइनल आखिरी चरण पे जब जाएगा तब वो सीख लेगा कि वो इस चीज के कंपेरिजन करने के लिए उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अनदर एग्जाम्पल यानी मूर्त चीजों की उसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वो सीख लेगा और वो चीज जो होगी वो दृढ़ता के अंतर्गत आ जाएगी। यानी उसे मूर्त चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है अंत में सीखने के लिए, यानी वो इन चरणों के माध्यम से ही बच्चा सीखता है आगे। अब ये टॉपिक आज यहीं तक, इसके अगले टॉपिक मतलब पढ़ते हैं हम, जिसमें मैथमेटिक्स के कुछ सवाल लगाएंगे 1 by 1 करके। आइए अब चलते हैं सवालों की तरफ। आज के सेगमेंट में हम देखेंगे कुछ प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें यदि √2n=32 तो n बराबर, यानी हम यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो हमें दिया गया है 2n है और उसके बराबर 32 है। अब यहाँ भी क्योंकि ये रूल कहता है घातांक का कि जब a की पावर n हो और इधर भी a हो और उधर पावर कुछ भी हो, तो ये चीजें जब बेस इक्वल होते हैं तो हम घाते बराबर कह देते हैं। इसी तरीके से अगर घाते बराबर होती हैं तो हम उनके बेस को बराबर मान लेते हैं। तो ये जो रूल है इस रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, यानी इनके बेस को हमको बराबर करना होगा, तो 32 का जो फैक्टर है उसको करना पड़ेगा यहाँ पर, तो फैक्टर करने पड़ेंगे 32 के, या 16 आएगा, 8 आएगा, 8 और 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 1। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां पर क्या आएगा,
टू की पावर एन है। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो यहां से रूट हट जाएगा, और जब रूट हट जाएगा तो टू की पावर एन हो जाएगा इक्वल टू टू की पावर फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू, यानी टू की पावर एन, टू की पावर टेन। अब देखिए जो रूल यहां पर हमने बताया था कि जब बेस इक्वल होंगे एन इक्वल टू एम हो जाएगा, यानी पावर सेम हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, बेस सेम हो गया तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, एम इक्वल टू टेन हो जाएगा, जो कि आंसर मैच कर जाएगा बी से। ये फॉर्मूला, ये रूल हम यूज करेंगे जिससे आसानी से इस सवाल को लगाया जा सकता है। अब चलते हैं अनदर क्वेश्चन के तरफ। देखिए इसमें अगला सवाल है, यदि ऑपरेटर प्लस, जो हमारा ऑपरेटर ये बना हुआ, ये ऑपरेटर के रूप में परिभाषित हो तो वन फोर, यानी वन से लेके वन टू थ्री फोर तक जा रहा है, थ्री और सेवन के बीच में ऑपरेटर लगा है तो थ्री से लेके सेवन तक जा रहा है, एट और टेन के बीच में लगा हुआ है ऑपरेटर तो क्या कर रहा है, एट से टेन तक जा रहा है। अब उसने हमसे कहा है कि एम ऑपरेटर जो हमारा है वो एम प्लस सिक्स तक है, तो इसका मान बताइए, यानी कि कहां तक जाएगा, फिर जो ये प्लस का चिन्ह है उसका एडिशन करना पड़ेगा हमें, और फिर उसी के बाद ये चीज निकल के आएगी। यहां पर देखिए, यानी जैसे यहां पर वन से स्टार्टिंग हो रही थी और आखिरी नंबर तक जा रहा है, तो यहां क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान सा है, एम तो एम प्लस वन आएगा, फिर एम प्लस टू आएगा, देखिए अलग अलग ब्रैकेट में होंगे, फिर यहां पर क्या आएगा, एम प्लस थ्री आएगा, फिर एम प्लस फोर आएगा, फिर एम प्लस फाइव आएगा, और यहां प्लस में एम प्लस सिक्स आएगा। देखिए एम से स्टार्टिंग हुआ और सिक्स तक गया, अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमें मिलेगा, यहां पर चेक करना है, एक दो एम को काउंट कर लीजिए, एम यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यानी सेवन एम मिलेंगे, समझ लीजिए, यानी आंसर में सेवन एम होना चाहिए। तो देखिए ये पहला दूसरा दोनों ऑप्शन गए, अब बचते हैं नीचे के दोनों ऑप्शन, अब काउंट करिए नंबर वन यानी थ्री हो गए, थ्री थ्री सिक्स हो गए, सिक्स और फोर टेन हो गया, टेन और फाइव फिफ्टीन हो गया, फिफ्टीन और सिक्स ट्वेंटी वन हो गया, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मैथड यहां पर अप्लाई किया गया है उसी मैथड को यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी यहां पर इस्तेमाल नहीं करना है, जो चीज यहां कहा गया है उसे एज इट इज इस्तेमाल कर लीजिए और आंसर आसानी से मिल जाएगा। अगर इसमें आपने कोई भी गणित या कुछ तरीके का नियम इस्तेमाल किया जो यहां कहा गया उसके अलावा, तब ये सवाल नहीं लगेगा और ये सवाल कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये केवल आपकी स्ट्रेटजी को चेक कर रहा है कि आप कितनी जल्दी इस सवाल को पिक कर पा रहे हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए साथियों यहां पर एक सवाल है, सवाल नंबर तीन आज का, एक बोतल में 250 मिलीलीटर जो है, मिलीलीटर होगा यहां पर एमएल पानी भरा जाता है, और आठ इसी प्रकार की बोतलें एक डिब्बे में पैक की जाती हैं, तो 300 लीटर पानी के लिए आवश्यक डिब्बों की संख्या। अब आप समझ लीजिए इस सवाल को कि एक बोतल है हमारे पास, यानी एक हमारे पास बोतल है जिसमें हम कितना भरते हैं, 250 ml पानी भरते हैं, यानी एक डिब्बे में जो एक बोतल है, ये बोतल हमारे पास है, इसमें हम 250 ml पानी भरते हैं, और इस तरीके की आठ बोतलें एक डिब्बे में, जो डिब्बा हमारे पास है, मान लीजिए इस तरीके का कोई डिब्बा होगा जिसके अंदर हम इन आठ बोतलों को रख देंगे, यानी एक डिब्बा ये भरने के लिए आठ बोतलें चाहिए, ये डिब्बा मान लीजिए एक डिब्बा है, अब यानी एक डिब्बे में आठ बोतलें आ जाएंगी, तो इस तरीके के डिब्बे कितने लगेंगे, ये पूछा गया सवाल में, बोतलों की संख्या नहीं पूछी गई है यहां पर, यहां पर डिब्बों की संख्या पूछी गई है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो एक हमारे काम की चीज ये है, यानी इतना एक बोतल में आता है, आठ प्रकार की ही बोतलें
इस डिब्बे में आती है, ये काम की चीज हो गई। और 300 लीटर पानी की आवश्यकता है जिसको हमको इनमें पैक करना है। तो अब देखते हैं, जैसे यहां पर क्या है, 250 है और यहां 300 है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कितना एक लीटर में, जैसे एक लीटर होता है, एक लीटर पानी जो है 1000 ml के बराबर, यानी 1000 ml बराबर एक लीटर पानी आ जाता है। अब हम जानते हैं अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हम देख सकते हैं कि कितना होगा, और 8 इसमें आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए इसमें 1 लीटर बराबर 1000 ml के बराबर पानी आता है। तो हम देख लेते हैं कि 300 लीटर पानी हमारे पास है, यूनिटरी मेथड का यहां इस्तेमाल करेंगे तो 300 लीटर है, यानी इसको हम ml में बदल लेंगे। 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, यानी ये 3000, यानी 300 मल्टीप्लाइड बाई 1000, अब इससे डिवाइड कर देंगे। अब यहां जब डिवाइड करेंगे 250 से, तो यहां संख्या मिलेगी हमें बोतलों की, यहां पर हमें संख्या मिलेगी बोतलों की, जो कितनी बोतल का इस्तेमाल यहां पर होगा ये चीज हमको यहां पर मिलेगी, नंबर ऑफ बोतल्स मिल जाएंगे यहां पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 0, 5, 6 टाइम ये मल्टीप्लाई 20 और यहां मल्टीप्लाई का होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 200, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 1200। अब ये तो संख्या हो गई बोतल्स की, अब देखते हैं कि एक गत्ते में यानी एक डिब्बे में कितनी बोतल्स आती हैं, तो वो आती है 8। तो अब यहां 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 times, 3 times और ये यहां आ जाएगा 150, यानी जो यहां पर बनेगा आके वो कितना आ जाएगा 150, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को आसानी से लगा सकते हैं, पहले हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये टर्म्स जो है आपको याद होने चाहिए, इसलिए कितने डेका होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने जो है मिलीमीटर है या लीटर है या किलोग्राम है या किलोमीटर है, उन तरीके के जो आंकड़े हैं मैथ के वो आपको याद करने होंगे, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं, वो आप याद कर लीजिए, जिससे इस तरीके के जो सवाल होते हैं, यूनिट बदलने के जो सवाल होते हैं, उनको हम आसानी से लगा सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। यही पहला ऑप्शन दिया है 0.5, सेकंड ऑप्शन दिया गया है रूट के अंदर है 0.49, क्यूब रूट 0.008, डी 0.28। अब इस सवाल पे आप गौर करिए कि इसमें सबसे छोटी संख्या हमें बताना है, तो एक तरीका इसका ये है कि हम सबको अपना ओपन कर लें, देखिए क्या जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 यानी 25, और दशमलव 1 प्लेस के बाद है तो 2 प्लेस के बाद आ जाएगा, यानी दशमलव यहां आता है। इसी तरीके से देखिए यहां पर जब हम इसको हल करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा हमें, यहां जो हल करने के बाद मिलेगा वो देखिए फैक्टर के अंदर क्या क्या होगा, 0.7 × 0.7 यही तो होता है। अब इसका क्या करें, सवाल करने यानी एक पेड़ का बाहर कर लेते हैं तो ये चीज हमें मिल जाएगी, यानी इसका आंसर ये होगा। यहां आ जाइए तो यहां पर जो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहां हम देख सकते हैं कि चीजों को 0.2 × 0.2 × 0.2। अब यहां क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 के पेयर बनेंगे, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे 0.2 बाहर, और यहां तो लिखा ही है इस जगह पर। अब देखिए सबसे छोटी संख्या यानी यहां 2, यानी सबसे पहले 0 के बाद पहली संख्या 2 है, यहां 2 है, यहां 7 है, तो सबसे बड़ी ये हो गई, उससे छोटी ये हो गई, उससे छोटी ये हो गई, और सबसे छोटी ये हो गई। अगर यही सवाल अभी ये कह रहा था कि इनको हम तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या है, दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या है, इसमें तो सवाल पूछा था उसने
सबसे छोटी पूछी थी, इसलिए आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर वो कह देता कि इसमें तीसरे नंबर पर सबसे जो ऑर्डर आएगा असेंडिंग ऑर्डर, उसमें तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी, तो हम अरेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या ये होगी, उससे छोटी संख्या हमारे पास ये होगी, फिर उससे छोटी संख्या ये होगी, और सबसे छोटी संख्या ये है। अब इसी तरीके से हम इनको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। अगर हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं, यानी कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर देखिए हम एक पैटर्न को यहाँ पर लगा के दिखा रहे हैं आपको कि सबसे बड़ी संख्या। तो जैसे अगर हम बढ़ते हुए क्रम में इस्तेमाल करें तो 0.2 या चिन्ह बढ़ते हुए क्रम के लिए लगेगा, फिर उसके बाद हमारे पास है 0.23, फिर 0.25, और फिर उसके बाद है लास्ट में 0.7। यानी ये बढ़ते हुए क्रम में आएगा। अगर घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो इसी को पलट देते हैं यहां पर 0.7, ऐसे 0.25, 0.23 और लास्ट में 0.2। यानी ये संख्या सबसे छोटी, ये संख्या सबसे बड़ी। तो इस तरीके से आरोही अवरोही या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम बता सकते हैं और कह सकते हैं कि किस नंबर पे आ रही वन पोजीशन या सेकंड या थर्ड, इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं अगली